ये तीनों एपिसोड्स जो थी ना, ये तीन लोगों के क्रेडिट पे मेरे हिसाब से गई हैं बहुत स्ट्रॉन्गली। तुराब खान प्लेड बाय खालिद भट्ट साहब, अल्लाह मियाँ उनकी मगफरत करे, जाते जाते वो क्या कमाल काम छोड़ के गए हैं। और राइटर, द राइटिंग वॉज एक्चुअली एब्सोल्यूटली पार एक्सलेंस फॉर मी फॉर दीज थ्री एपिसोड्स एंड डायरेक्शन ऑल्सो। बाप का ख्वाब में उठना, बुलाना, कॉन्फ्रेंस, जिरगा, जो भी आप उसको कहेंगे उनकी ज़बान में, वहाँ तक पहुँचना, वो पूरा सिनेरियो खूबसूरती से बना हुआ था। एंड देन ही सेज़ के इसको सब के सामने मारेंगे। वो मेकअप जो उस आदमी का था, जिसने जो जिसको मारना था, उसके हाथ वाथ सब, फिर उस और फिर जो इमोशनल कंटेंट था उस सीन का, वो था कि वो बाप जिससे कि चलना भी अब मुश्किल है, क्योंकि जाहिर है उसने तीन पै दर पै घर से लाशें उठाई और आदमी है ना, मैन ऑफ द फैमिली लूज किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। एक उसने अपनी लाइन है ना, अपना पोता, हाँ पोता, फिर उसके बाद दूसरा पोता पामीर, फिर दो बेटे, दो बेटे, चार लोगों को उसने लूज किया है। और उसका बदल गया था ना, हमने एक पहले भी एक रिव्यू में कहा था कि वो खड़ा जिस तरह होता है वो भी फर्क था, उसकी कमर झुकी हुई थी। वो आदमी जब गन उठाता है ना, वो सीन जस्ट टुक माय हार्ट। जिस तरह से वो एग्जीक्यूट किया था, उन्होंने एक्ट किया था, फिर फैसल का पीछे से आके गन को स्टेबल करना उनके हाथ में, और फिर पोते का उठ के और इस तकलीफ से ही उनको निजात दिला देना, और यू नो द वे दे शॉट हिम, आई थिंक ब्यूटिफुली डन। वेरी हैप्पी फॉर खई राइट नाउ, वेरी हैप्पी दैट वी हैव खई राइट नाउ। सो मेरे हिसाब से अगर कोई दो थम्स अप डिज़र्व करता है हमारे कल और आज के शोज में, एंड आई वुड से थ्री थम्स अप। दो तो हमें जाने जहां को दे दिए। हाँ हाँ, सो थ्री थम्स अप। राइटिंग मेरे लिए वर्क्ड वेल दिस टाइम, बिकॉज ये प्लॉट जो नादिया को समझ नहीं आया, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि किस तरह से ट्विस्ट इन द प्लॉट जिसको कहते हैं ना, यही था कि वो बादल के जरिए दो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। बादल को पकड़वाएगी, बादल को छुड़वाएगी, दोबारा से वहीं आ जाएगी और अपने क्योंकि अब वो तो चनार पे ही काउंट कर रही है ना, चनार को अपनी पार्टी बना लेगी, क्योंकि चनार तो अब कदमों में बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि क्या मेरी बीवी तुम कितनी अजीम हो। सो शी अचीव्ड हर गोल्स, गुड। एंड द राइटिंग एंड दिस न्यूनेस ऑफ द प्लॉट वॉज अज सक्सर फॉर मी, एब्सोल्यूटली। सो मैं राइटिंग को इस इन दो आखिरी दो एपिसोड्स का विनर मानती हूँ, एंड आई थिंक आई विल गिव द राइटर एन 8। मैंने कहा कि जो तुराब खान वाले सारे सीन्स, वो सारे सीन, ये इसको मारने वाला, फिर वो जब बादल को पकड़ के और उसमें डाल देते हैं और तुराब उसको मिलने जाता है और अपने सर से मारता है उसको, दैट वाज रियली, है ना। और वो सब जगह जहाँ पे जब जो भी कोई मारता है वो नाक उसकी तोड़ देता है, जिस किसी की भी, एंड देन आई थिंक बहुत अच्छी डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, एक्टिंग, मेकअप, इनके मेकअप मेकओवर डिपार्टमेंट, वो जो हाथ को, हाँ, और जो हाथों वाला था वो उनके लिए भी एक ताली तो बनती है भाई। सो वेरी वेल डायरेक्टेड। उसके अगर हाथ काट देता देन ही शुड हैव ब्लेड टू डेथ, काट के बांध भी दिए होंगे, ठीक कर दिया होगा, ट्रीट कर दिया होगा, उसी वक्त ट्रीट किया होगा, ट्रीट कर लिया होगा ना, उसको जिंदा रखना था ना, मरने भी नहीं देना था। ऐसे आप ऐसी बात कर सकती हैं मरीज जितने आराम से, है ना, हां, ब्लड टू डेथ, उस वक्त इधर इधर नहीं काटे थे पहले के बंधे हुए, जो सीन ने जो है ना वो उसने इतना डिस्टर्ब किया है, उन्होंने और डिटेल में चले गए। बट दो तीन जगह ऐसी थी जिन पे मुझे लगा कि ये पकड़, ये भी पकड़ में आ जानी चाहिए थी। मरीना ने भी मेंशन किया वही फोन सिम तोड़ना, मुझे भी, मेरा भी दिल चाह रहा था कि वो तोड़ के फेंक दे, बट जाहिर है उसने बाद में भी बात करवानी थी, सो आई डोंट नो वो कैसे टैकल करना था, बट करना चाहिए था। फिर एक जगह थी जहाँ पे बरीरा ये बात कर रही है और बरीरा सुन लेती है, वो बिल्कुल खुले मैदान में, वो हमेशा बिठाता भी है बादल को भी तो खुले मैदान में बिठाता है। आपने बहुत खूबसूरत विजुअल दिखाया हमें जहाँ वो बैठा हुआ था, बट आप वहाँ से बेशक कैमरा खाली लेके एक बुश में चले जाते, क्योंकि जिस सिचुएशन में बादल इस वक्त है वो इतने खुली जगह में नहीं बैठेगा, वो जब आता है तो थोड़ा सा धचका लगता है। अगर आपका मकसद यही है तो शायद यू जस्टिफाइड, बट
उसको बैठना नहीं चाहिए था, फिर बादल बेवकूफ़ लगता है कि वो इतनी खुली सी जगह में बैठ के फ़ोने क्यों कर रहा है। सो वो थोड़ा सा मुझे जगह परेशान करती है। फिर वो जब बात कर रही है फ़ोन पे जमदा और बरीदा ने पीछे कहीं सुना है जहाँ वो एक दरवाज़ा बंद करी थी और वो लंबा सा चल के आई है और उसके पीछे एक तरफ दरवाजा लॉक था, यूं खोलती है वो दरवाजा लॉक होता है, दूसरे पिछले दरवाजे से आती है तो वो काफ़ी लंबी वॉक थी जहाँ से उसको उसकी फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आई थी। तो वो ज़्यादा लंबी भी लगी वॉक और फिर बरीरा ने भी जब उसको डांटा तो वो भी बहुत ऊंची आवाज़ में लगा मुझे डांटना भी। सो वो जगह थोड़ी सी बहुत छोटी जगह थी, माइनर थी, बट वो माइनर थी शायद इसलिए उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। इसी तरह जब तुराब खान ख्वाब से उठते हैं तो वो एक बूढ़े आदमी हैं और बीमार आदमी हैं और कोई नहीं है और वो आवाज़ें दे रहे हैं और उठ के उनको दरवाजे तक, उसका भी कोई ना कोई हल सोचा होना चाहिए था। एक शुड हैव बीन समबडी, एक लड़का आता है, देयर शुड हैव बीन समबडी लाइंग देयर और वो चिनार को आवाजें देते हैं वो राइट आउटसाइड। हाँ, शी इज राइट। हाँ, सो वो जगह भी मुझे ऑड लगी कि एक बाप जो इतना लाचार है एज इन हिज हालत, तो वो बिल्कुल अकेला उसको कैसे छोड़ दिया विदाउट इवन अ बेल दैट ही कुड रिंग and maybe ring the bell and then call out Chinar. Ajay, chale direction ke number de de. I think I'll give the director Anit nonetheless. Mere liye is dafa ki winner jo hai na wo Hina Bayat hai again, because that one line, the way she delivered it, ke badal aaya hai, barish barsega, sab mar jayega, was brilliant. So I have to acknowledge that. जमदा ठीक है, सब सही कर रही है और वी हैव टू मार्क हर, तो आई विल गिव हर अ 7. 7, वेरी गुड जॉब। ओके, सो मैंने करनी है। अच्छा जी, और उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। मैसेज है एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से जो कि हमारे साजा में से भी हैं, ताहिर सरवर मीर साहब लाहौर से, और उन्होंने फैसल कुरैशी की एक्टिंग के ऊपर हमें एक भेजा है कि इसको इंक्लूड कीजिएगा। उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी उर्दू स्पीकिंग हैं, इसके बावजूद पठान के किरदार को उनकी एक्सीलेंस तक ले गए हैं। जो एक्सीलेंस गंगा जमुना में दिलीप कुमार साहब भोजपुरी बोलते हुए कायम की थी। एसआर के दुनिया के सबसे बड़े पठान स्टार हैं, लेकिन पठान में वो पख्तून और हिंद को लबो लहजे में जादूगरियाँ नहीं दिखा पाए जो फैसल कुरैशी ड्रामा खई में दिखा गए। okay. मैं मुसम्मी ताहिर वर्मीर पूरे हवा से खमसा के साथ ये कह रहा हूँ कि फैसल कुरैशी जनूबी एशिया का बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है। ये कहने से कबल मैंने किंग खान की फिल्में पठान और डंकी देखी और साथ ही सईद वजा हुसैन का ड्रामा खई देखा। आप भी ये तरद्दुद करें, आपको बात समझ आ जाएगी। ओके, बस सलाम ताहिर। ये बात तो मैं पहले भी की थी, हमारे एक्टर्स कमाल हैं, आगे हैं, बहुत आगे। फैसल कुरैशी साहब के बारे में ये बात ताहिर वर्मीर साहब ने की थी, उन्होंने भेजी, हमने अब तक पहुँचाई, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, He's done it to perfection. और कुछ गलत नहीं किया। Time and again, again and again, consistently for decades. He's been a fine actor since forever. Yeah, so an 8 for him.